प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, DAPG कॉलेज वाराणसी के एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके सामने जैन धर्म में बंधन और मोक्ष की अवधारणा विषय पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA फोर्थ सेमेस्टर के रिलीजन ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए है। बंधन और मोक्ष की अवधारणा धर्म की एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रायः प्रत्येक धर्म में सांसारिक जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं और इस सांसारिक जीवन से पार होने के लिए किस प्रकार से हम इससे पार होते हैं, इसके लिए मोक्ष की अवधारणा, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा मिलती है। प्राचीन भारत में जो विकसित होने वाला धर्म है, विशेष रूप से हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसमें बंधन और मोक्ष की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई है। हिंदू धर्म में सामान्य रूप से बंधन का अर्थ यह होता है जिस प्रकार अपने कर्मों के द्वारा बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं और संसार के दुखों का या संसार में विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां आती हैं या जो संसारिक जो सुख के साधन है या दुख के साधन है उनको जो हम भोग करते हैं उसके आधार पर जो हमें कर्म का फल प्राप्त होता है इसके आधार पर हमें पुनर्जन्म कर लेना होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि यह एक बंधन है और इस बंधन से जब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं तब तक हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकता, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। जैन धर्म भी इससे मिलते जुलते अवधारणा को स्वीकार करता है। जैन धर्म भी मानता है कि बंधन का अर्थ वही है जीवों का दुख का सामना करना और जन्म जन्मांतर तक इस संसार में भटकना। इसके बावजूद जैन धर्म में यह कहा जाता है कि यदि हम कुछ विशेष तरीकों का पालन करें, कुछ विशेष नियमों का पालन करें, कुछ चीज़ों को समझें तो हमें सांसारिक जो संसार में बार बार जन्म लेता है हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जहाँ तक आते हैं हम कि जैन लोग का जो ये बंधन की अवधारणा है, बंधन और मोक्ष की दोनों की अवधारणा पर वो थोड़ा दो तरीके से उस पर विचार करते हैं। एक तो दार्शनिक तरीके से उस पर विचार करते हैं और एक व्यवहारिक तरीके से उस पर विचार करते हैं। दार्शनिक तरीके में यह बात सामने आती है कि जो हमारा जीव है, जैन धर्म में जीव और अजीव दो तत्वों की अवधारणा बांटी गई। तो जीव को आमतौर पर जो आत्मा के संदर्भ में लिया जाता है, तो जैन लोग मानते हैं कि जीव का स्वभावतः जो स्वरूप होता है उसमें कुछ विशिष्टताएं होती हैं, उसमें कुछ विशेष प्रकार के पूर्णताएं होती हैं जो उसकी विशिष्ट प्रकृति है। जैसे कि उसमें ये मानते हैं कि जीव का जो स्वाभाविक रूप है उसमें चार प्रकार की पूर्णताएं होती हैं। वह अनंत ज्ञान, उसमें अनंत ज्ञान होता है, उसमें अनंत दर्शन होता है, उसमें अनंत शक्ति है और उसमें साथ ही उसमें अनंत आनंद होता है। ये जीव का मूल स्वभाव होता है, इसके कारण वह किसी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ता है। लेकिन जब वह जन्म लेता है, संसार में आता है, तो संसार में कुछ प्रवृत्तियों के कारण वह अपनी मूल क्षमताओं को भूल जाता है। जिस प्रकार जैसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है और अचानक बादल आ जाए तो उसका सूर्य का प्रकाश थोड़ा ढक जाता है, उसी प्रकार सांसारिक कुप्रवृत्तियों के कारण, सांसारिक कसायों के कारण या अज्ञानता के कारण हम या जीव या आत्मा जो भी है, का हम जो भी उसे नाम दें, वह अपना मूल स्वरूप को भूल जाता है, पहचान नहीं पाता है और तमाम तरह की ऐसी क्रियाओं में बध जाता है जिसके कारण उसे बार बार जन्म लेना होता है। यहाँ पर वो विशेष तरीके से बात को समझते हैं, जीव कैसे बंधन में आता है इस पर भी चर्चा करते हैं। उसकी एक दार्शनिक अवधारणा वो प्रस्तुत करते हैं कि जीव का शरीर के साथ जब संयोग होता है तो शरीर जो है वो शरीर का निर्माण ज्ञानी मानते हैं कि पुद्गल तड़ों के मिलने से बनता है। तो जीव का पुद्गल के साथ संयोग ही जो क्या है, बंधन है। अब जीव का पुद्गल के साथ संयोग कैसे होता है, तो यह अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान से अभिभूत होकर जीव अपना मूल स्वरूप समझ नहीं पाता है और वह वासना की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इन वासनाओं में क्रोध, मान, लाभ, माया आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रवृत्तियों के कारण जीव जो है शरीर की ओर प्रवृत्त होता है, अर्थात शरीर की ओर वह आकृष्ट होता है और वह पुद्गल कणों को जिसे शरीर निर्मित होता है अपनी ओर आकृष्ट करने लगता है। पुद्गल कण को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को जैन एक विशिष्ट नाम देते हैं, कसाय का नाम देते हैं। जीव किस प्रकार पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। वह अपने कर्म के अनुसार ही पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करता है
इस प्रकार जीव का जो शरीर के साथ संबंध निर्धारित होता है उसके कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। जैन लोग अनेक प्रकार के कर्मों को मानते हैं, विशेष रूप से वो 8 प्रकार के कर्म मानते हैं। इनमें जो प्रमुख हैं और वो इनकी अब चर्चा भी हम करते हैं। इनका नामकरण के फल के अनुरूप ही होता है। जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसी प्रकार के आपको उसको उसी रूप में वो उसका कर्म फल आपको मिलता जाएगा। जैसे कि एक आयु कर्म है, वह कर्म जिससे मनुष्य की आयु निर्धारित होती है। इसी प्रकार जो कर्म मनुष्य के ज्ञान में बाधक होता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जो कर्म मनुष्य के आत्मा या मनुष्य के या जीव के स्वाभाविक शक्ति को रोकते हैं उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव जो है वह उच्च या निम्न परिवारों में या उच्च या निम्न कुलों में जन्म लेता है वह गोत्र कर्म कहलाता है। जो कर्म उसे सुख दुख की वेदना उत्पन्न करते हैं जीव को वह वेदनीय कर्म होते हैं। जो कर्म जीव को विश्वास के नाश करते हैं उसको दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार पूतकल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इसी कारण पूतकल कणों को कर्म पूतकल भी हम कहते हैं। वह अवस्था जब कर्म पूतकल आत्मा की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो वह आश्रव कहलाती है। आश्रव जीव के स्वरूप को कुप्रभावित करता है या नष्ट कर देता है और उसे वह बंधन की ओर ले जाता है। जब पूतकल कण में जीव पूरी तरह से प्रविष्ट हो जब पूतकल कण जीव में पूरी तरह से प्रविष्ट हो जाता है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? बंधन की अवस्था कहलाती है। इसकी भी जैन लोग जो हैं वो दो अवस्थाएं मानते हैं, अर्थात बंधन दो प्रकार का होता है, भाव बंध और द्रव्य बंध। जो ही आत्मा में 4 प्रकार की कुप्रवृत्तियों का निवास होता है तो ही आत्मा बंधन की ओर प्रवृत्त हो जाती है। यह एक प्रकार का भाव बंध है। मन में दूषित विचारों का आना, यानी कि जब वो दूषित विचार आत्मा मनुष्य की ओर जीव की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं तब वह एक प्रकार से वो भावबंध में बंध जाता है। जब ये पुद्गल कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं तब यह अवस्था द्रव्य बंध कहलाती है और इस प्रकार जीव और पुद्गल का संयोग ही द्रव्य बंध कहलाता है। भावबंध इस बंधन का प्रथम अवस्था है, द्रव्य बंध द्वितीय अवस्था है। भावबंध के बाद ही द्रव्य बंध का आविर्भाव होता है और इस प्रकार से मनुष्य बंधन में आकर संसार में जन्म जन्मांतर तक सुख दुख का भोग करता रहता है और बार बार जन्म लेता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वो जीवन में जब विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखता है, चाहे वो सुख का भी भोग करता है, सुख की भी एक सीमित सीमा होती है, कितने दिनों तक वो सुख का भोग करेगा, उसके बाद जीवन में दुख आता ही आता है क्योंकि जीवन की मौलिक प्रवृत्ति दुख की है। अनेक प्रकार के जो चिंतन है, समस्याएं हैं जो दुख उत्पन्न करती हैं, इससे मनुष्य अंत में उबने लगता है तो वह इससे मोक्ष यानी इससे मुक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की कामना करता है। जैन लोग भी मानते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से यदि जीव को मुक्ति मिल जाए तो यही जीव का मूल स्वरूप होगा। जीव अपने मूल स्वरूप को समझ जाएगा तो इस चक्र से मुक्त हो जाएगा। मोक्ष एक तरह से बंधन के प्रतिकूल अवस्था है, यानी कि बंधन के प्रतिकूल अवस्था है। इस प्रकार जीवन का जीव का पुद्गल के साथ संयोग बंधन कहलाता है। इसी प्रकार जैसे ही जीव का पुद्गलों के साथ वियोग हो जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के कुप्रवृत्तियों के साथ वियोग हो जाता है तो अपने मूल स्वरूप को समझ जाता है और तो मोक्ष की अवस्था में आ जाता है। अर्थात कि जब हम नए पुद्गल कणों को, अब यहाँ पर आता है कि किस तरह से पुद्गल कणों को जीव के साथ अलग किया जा सकता है, इसकी जैन धर्म में दो अवस्थाएं मानी जाती है। पहला तो ये है कि जीव की तरफ हम नए पुद्गल कणों के प्रवेशों को रोकें, इसे वहाँ पर संवर कहा जाता है कि अर्थात कुछ नई कुप्रवृत्तियाँ जीव के साथ जुड़े ना, उसमें प्रविष्ट ना हो, इसको हम संवर कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है कि जीव में जो पुरानी कुप्रवृत्तियाँ हैं उसको भी हटाया जाए। तो जीव में जो कुछ पुराने पुद्गल कण जो स्थान बना चुके हैं उनके क्षय की प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है, अर्थात कि नए पुद्गल कणों को रोका जाए और पुराने पुद्गलों को जीव से अलग किया जाए। इन दोनों अवस्थाओं में होने के बाद मनुष्य पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ये दोनों ही प्रकार के पुद्गल कण जो मनुष्य के या जीव के या आत्मा के संपर्क से खत्म समाप्त हो जाते हैं तो जो जीव है अपना मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह एक प्रकार के जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसकी तात्विक प्रक्रिया, उसकी चर्चा थी। अब जैन धर्म में इसका व्यवहारिक रूप की भी चर्चा की गई है कि किस प्रकार हम जैन तीर्थंकरों ने जो मार्ग बताया उसके अनुसार हम बंधन को काट कर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं, बंधन का मूल कारण जो है वह है क्रोध है, मान लोभ है, माया है। इन क्रूर प्रवृत्तियां हैं। इन कुप्रवृत्तियों का मूल कारण क्या है कि अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण ही हम इनका स्वरूप नहीं समझ पाते हैं और हम जीव अपना मूल स्वरूप जो है वो भूल जाता है। तो इनके नाश के द्वारा, अर्थात अज्ञान के नाश के द्वारा ही हम इन कुप्रवृत्तियों से दूर हो सकते हैं। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने की प्रक्रिया से ही हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार इसे जैन धर्म में सम्यक ज्ञान की प्रक्रिया कहा गया है। समय ज्ञान के अंतर्गत हम मूल रूप से जीव और अजीव के जो बंटवारा है जैन धर्म, उसकी विस्तृत व्याख्या है। तो जीव अजीव तत्वों का जो बंटवारा किया गया है उसके मूल प्रवृत्तियों को हम, मूल तत्वों को समझने का कोशिश करते हैं। इन्हें नहीं समझने से ही बंधन उत्पन्न होता है और इसको जब हम समझ जाते हैं तो सम्यक हम ज्ञान की ओर, अर्थात कि मोक्ष के एक चरण की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। अब आता है कि जब हमें सम्यक ज्ञान हो गया तो यह सम्यक ज्ञान हमें किस प्रकार से मिल गया, तो हम इस आगे कैसे अग्रसर होंगे और कैसे हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है, जैन धर्म में माना गया है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पथ प्रदर्शक के प्रति श्रद्धा और विश्वास से ही संभव है। जैन धर्म में तीर्थंकर को पथ प्रदर्शक कहा गया है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखना आवश्यक है। अर्थात तीर्थंकरों ने जो भी ज्ञान दिया है वह ज्ञान हम उनके प्रति आस्था और विश्वास रखकर प्राप्त कर सकते हैं। इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यह मोक्ष का दूसरा आवश्यक साधन है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जैन धर्म में कभी भी अंधविश्वास पर बात नहीं कही कि जो तीर्थंकरों ने बात कह दी, कुछ भी बात उसमें हम अंध रूप से विश्वास करें। हम उस पर सही ढंग से सोच के, समझ के, जीव और अजीव की मूल प्रवृत्तियों को समझते हुए सही ढंग से विश्वास करें, तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से सोचते हुए विश्वास करें, तभी हम जाके सम्यक दर्शन के भागी होंगे। अर्थात कि सही एक तरह से ये बौद्धिक चिंतन की प्रक्रिया है। केवल सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को अपनाने से ही मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, बल्कि इसके साथ साथ हमें सम्यक चरित्र यानी कुछ चारित्रिक आचरणों को भी अपनाना होगा। जैन धर्म में सम्यक चरित्र पर सबसे ज्यादा चर्चा किया कि हम किस तरीके से ज्ञान होने, तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा होने के बावजूद हम यदि सही ढंग से आचरण नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें जीव को या आत्मा को, वासना, इंद्रिय और मन को संयत किस प्रकार से करना होगा, इस पर विस्तृत रूप से जैन धर्म में चर्चा मिलती है। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की समिति अर्थात सावधानी, संयम, धर्मों का पालन करना होता है। साथ में हमें पंच महाव्रतों का पालन करना होता है। इसे सम्यक चरित्र कहा गया है। इन तीनों को जब ठीक ढंग से हम पालन करें, अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र कांति ठीक ढंग से अनुसरण करें, तब जाके हमें मोक्षानुभूति की प्राप्ति होती है। इसे हम रोगी और चिकित्सक के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई रोगग्रस्त व्यक्ति चिकित्सक के पास जाता है और चला गया, माना कि उसे कोई रोग हुआ, चिकित्सक के पास चला गया, लेकिन वो सही ढंग से, चिकित्सक ने दवा भी दे दिया लेकिन सही ढंग से वो दवा ना खाए तो उसे वो इलाज काम नहीं करेगा। वह ठीक तभी होगा जब चिकित्सक के प्रति आस्था रखे, उसका द्वारा दी गई दवाओं का उपयोग करे और चिकित्सक के मतानुसार आचरण का भी करे। उसका जिस प्रकार से बताया गया है, जो उसे परहेज बताया गया उसका भी जब वो आचरण करता है तभी जाके वो निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। इन तीनों का यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का सही ढंग से हम अनुपालन करते हुए जीव मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जैन धर्म में भी यह कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति कोई अलग अवस्था नहीं है, बल्कि जीव की स्वाभाविक अवस्था है, यह उसका मूल रूप है। यह केवल दुख का अंत नहीं है, सांसारिक जन्म मरण चक्र का अंत नहीं है, बल्कि यह उसके मूल स्वरूप को प्राप्त करना है। इसमें जीव अपने अनंत चतुष्ट अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद की प्राप्ति कर पाता है। इनके प्राप्ति के फल स्वरूप वह उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे बादल के हटने पर सूर्य पुनः अपना मूल स्वरूप प्राप्त करता है, अर्थात सूर्य जब को प्रकाशित कर उधर आत्मा
प्रकाशित हो जाती है और इस प्रकार से मनुष्य की जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाती है। जैन धर्म इस प्रकार से बंधन और मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है। धन्यवाद।